बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि गाना आया है, अलग थीम है, अलग लुक है, अलग फील है. एंड इस गाने में मैं अल्कोहलिक प्ले कर रहा हूँ. एंड जो मेरी वाइफ है उनका मिसकैरेज हो जाता है मेरी वजह से, बिकॉज मैं मेरी हैबिट की वजह से कि मैं शराब बहुत पीता हूँ. एंड उसमें फिर वो जो परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे ये गाना आगे बढ़ा है, तो बहुत अलग है. एंड बहुत मज़ा आया शूट करने में, बिकॉज इट वॉज वेरी चैलेंजिंग. और बहुत अच्छा लगा क्योंकि लोग बहुत प्यार दे रहे हैं. तो बस यही बोलना चाहूँगा, विच लाइक आई एम फीलिंग वेरी ग्रेटफुल. मतलब ये बड़ा ब्यूटीफुल कपल है. एंड वीडियो पे इनको कैमरा में जब हम शूट कर रहे थे ना, तभी बड़ा प्राउड फील हो रहा था. कपल इज़ वेरी ब्यूटीफुल. दोनों ने बहुत मेहनत की है और दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है. अब जब रेस्पॉन्स आता है, जब लोग वीडियो देख करके रेस्पॉन्स कर रहे हैं, तो जितनी तारीफ मेरे गाने की होती है ना, जब एक्ट्रेस की भी होती है, वीडियोज़ की होती है, तो बड़ा अच्छा लगता है कि यार गाना मेहनत जो है रंग लेके आ रही है. तो फीलिंग हैप्पी एंड फीलिंग ब्लेस्ड. I think on screen and off screen we were just normal. Like okay, so there have been going there are a lot of controversies going on the two of us, but I just wanted to say it was a publicity stunt which was done. Let's not talk about it, please, because I don't want to talk about it right now. It's not about not talking, but I just have to clear it out. No, you don't have to clear it. I'm clearing out for the label. I don't want to talk about it. It's not about not talking, it's for the label. I don't want to clear. I don't want to talk about it. It's okay. No, I don't want to, because but it's for the label. I'm sorry. This is not getting controversial. How many questions? You're seeing this same stunt. कुछ समझ रहा है? मैं हमने गाना बहुत अच्छा बनाया है और हम गाने को लेके बड़े एक्साइटेड हैं. इट्स ब्यूटीफुल सॉन्ग. उसके लिए मैं प्रतीक सर प्लीज मैं कैंसिल बात करनी है सर. 2 मिनट प्लीज. मैं अभी नहीं एल्बम नथिंग एल्स प्लीज. हम लोग गाने से रिलेटेड पूछो प्लीज. चलिए आप एक काम करो, सेपरेट कर लो बाइट सर प्लीज. प्रतीक प्लीज प्लीज मैम, इस गाने के टाइम पे, शूट के टाइम पे, एक चीज ऐसी भी हुई थी कि हम शॉट दे रहे थे एंड ड्रोन था हमारे पीछे, और रात का लेट नाइट का सीन था, ड्रोन आके सीधा मेरे सर पे बजा यहाँ पे, तो मेरे दोनों साइड पे कट्स लग गए थे और खून आया था. बहुत तेज आया था ड्रोन एक्चुअली, एंड बहुत लेट नाइट का सीन था वो. तो ये सब चीज़ें मतलब नहीं बताऊंगी ऑडियंस को, एंड आई थिंक सो आई एम जस्ट यू नो टेलिंग कि ये सब भी हुआ है. एंड होती है चीज़ें शूट पे, कई सारी चीज़ें. बाकी अदरवाइज देयर वाज लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग. ऑब्वियसली बहुत मज़ा आया गाना शूट करने में, क्योंकि ड्रंक प्ले करना था मुझे एंड उनको गिरना था पूल में एंड ऑल दैट. सो वो चीज़ें नेचुरली पोर्ट्रे करना, एंड जब जनता देखती है कि नेचुरली, जब हमारे चाहने वाले देखते हैं कि वो चीज़ नेचुरल लग रही है, तो हमें बहुत खुशी होती है कि उनको उस दे आर सैटिस्फाइड विद द परफॉर्मेंस, यू नो. सो आई एम ग्लैड दैट दिस सॉन्ग हैज कम आउट रियली नाइस. एंड आई मीन इट्स बिकॉज ऑफ एवरीवन्स हार्ड वर्क. एवरीवन हैज वर्क्ड हार्ड. एवरीवन, एवरी सिंगल पर्सन हैज वर्क्ड हार्ड ऑन द सॉन्ग, एंड इट्स शोज. सर, आपसे ये पूछना चाहूंगी कि ये एक चीज ऐसी होती है कि इमोशनली ड्रेनिंग होती है काफी ज्यादा, तो ये चीज उनमें नेचुरली लेके आना कितना डिफिकल्ट था, कि यार ये चीज से आपको गुजरना है जो आपने कभी दोनों मतलब फाइन एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, इनको एक्टिंग बताने की ज़रूरत नहीं है. दोनों ने अपना अपना पार्ट इतना प्यारा किया है कि इनको एक बार नरेशन दिया था कि ये आपका करेक्टर है, ऐसा ऐसा है. तो आई थिंक दे आर द फ्यूचर ऑफ बॉलीवुड. दोनों की एक्टिंग बहुत है, और वीडियो के थ्रू आपको बहुत अच्छे एक्टर एक्ट्रेसेस मिल रहे हैं बॉलीवुड में, तो ये ब्लेस्ड थिंग है. नई जनरेशन यू नो दिस, कि एक इंसान को पागल की एक्टिंग करने के लिए पागल एक्चुअली होना पड़ता है टू एक्चुअली शो दैट वो यू नो पागल की एक्टिंग कर रहा है. और तो ये चीज़ें होती हैं कि ओवर टाइम आर्टिस्ट के दिमाग पे असर पड़ जाता है कि भाई अगर मैं बैक टू बैक शराबी की एक्टिंग करते रहूँगा तो मुझे लगेगा कि मैं शराब पी रखी है नेचुरली. अगर मैं बैक टू बैक पागल की एक्टिंग करते रहूँगा तो मुझे लगेगा मैं पागल हो गया हूँ. सो वो चीज़ें हैं, बट वही है कि फॉर यू नो टू अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए एंड अपने चाहने वालों को दिखाने के लिए और उनको यू नो एंटरटेन करने के लिए बहुत कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं, तभी वो हमें इतना प्यार मोहब्बत देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि क्या क्या यू नो व्हाट गोज़ इनटू इट. एंड आई थिंक या एवरी आर्टिस्ट इज गोइंग थ्रू इट, एंड इट्स लाइक अ जर्नी, एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग टू गो थ्रू. एंड जिसके अंदर पैशन है वो 100% से गुजरता है और हर एक पल को एंजॉय करता है. लेकिन ये जानना चाहूँगी कि जब एक कैरेक्टर प्ले करते हो तो उसके अंदर जाने के लिए, उससे वापस बाहर आने के लिए कितना वक्त लगता है?
मैम डिपेंड करता है एक्चुअली, अंदर जाने के लिए भी डिपेंड करता है वक्त, और बाहर निकलने के लिए तो बहुत एक्चुअली फर्क पड़ता है. अभी जब मैं शराबी इसमें अल्कोहलिक की एक्टिंग कर रहा था, सो आई वाज, मैंने अभी पहले भी बताया यहाँ पे दूसरे इंटरव्यू में भी, कि टू यू नो बी इन दैट मूड आई वाज ऑफ कैमरा ऑल्सो, मैं अपने पैर लड़खड़ा रहा था एंड वो फील में था कि भाई मैं गिर रहा हूँ, मैं इधर उधर पटक रहा हूँ अपने आप को, मतलब जो भी है, बिकॉज यू नो उससे बॉडी लैंग्वेज में वो आ रही थी चीज़. ऑफ कैमरा भी वो करना पड़ता था एंड यू नो टू गेट इनटू इट यू हैव टू डू दिस एंड टू कम आउट ऑफ इट इज इवन डिफिकल्ट. यू हैव टू नो कि भाई रियल लाइफ क्या है और रियल लाइफ क्या है, कि अब कैमरा ऑफ हो गया है, अब आपको नॉर्मल रहना है, अब आपका जो शॉट है वो खत्म हो गया, शूट खत्म हो गई है, तो अब आपको बैक टू नॉर्मल आना है, बैक टू रियलिटी. सो वही है, तभी मैं कह रहा हूँ कि पागल की एक्टिंग करते करते इंसान एक्चुअली पागल हो जाता है, क्योंकि रियल लाइफ और रियल लाइफ में डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल हो जाता है एक पॉइंट के बाद. वही है एक्सपीरियंस के साथ, बट यू हैव टू गो थ्रू थिंग्स टू यू नो बिकम व्हाट यू वांट टू बिकम. सो या I think it comes from your real life circumstances. So I feel that every time you're acting, there's a memory that always clicks. And you get into the character and then you get out of it once you're done. So it's not tough. I think if it's if you're doing something you love and you're loving what you do, it gets easier. So yeah, I've enjoyed every bit of it. आई थिंक मुखले ही बहुत कैची है कि सारे शिकवे भुला के, ये सबकी लाइफ में होता है कि सारे शिकवे भुला के आ जा. लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि अब नाराजी हुई जाने दे भाड़ में. हमने अपना व्हाट्सएप स्टेटस भी लगाया है, ना कोई दोस्त होता है ना दुश्मन होता है, सब मन का वहम होता है एक्चुअली. ऐसी आई कभी कभी कुछ चीज़ें ना ऐसी आती हैं, बहुत ज़्यादा प्लान नहीं करना होता है, पर दोनों ब्यूटीफुल हैं और हैंडसम हैं, तो लगा कि जब हम लोगों ने किया, हम इनको कास्ट कर रहे हैं, तो लगा कि हम बहुत सही काम कर रहे हैं. खुद की तारीफ की हमने और पाजी ने कि वाह बेटा बहुत अच्छा काम किया. ऐसी पूरा गाना ही अच्छा है, एक एक लिरिक में, एक लिरिक्स के एक एक वर्ड में दोस्त. नहीं जनरली मैं सर ऐसी बात नहीं है, मैं दिल से बोल रहा हूँ कि एक एक लिरिक्स के एक एक वर्ड में वो इमोशन है, वो दर्द है, कि वो एक इंसान को यू नो ले जाएगा उस चीज़ में, कि मैं खुद सुन के एक्चुअली फील कर रहा हूँ कि भाई मेरा दिल कब टूटा था आखिरी बार यार, बिकॉज वो चीज़ है, वो गाने में है. अब मेरे जो ट्विटर में मुझे टैग कर रहे हैं कि 100 माफिया मांग लूंगा, 100 माफिया तुझसे मैं मांग लूंगा, चली गई है लेकिन तुम लौट आ भाई, मैं तेरे से 100 माफिया मांग लूंगा. बताओ अब इस लाइन पे कौन नहीं इमोशनल होगा यार, जिसका नहीं भी ना रिलेशनशिप, जिसका नहीं भी दिल टूटा उसका भी टूट जाएगा ऐसी बैठे बैठे कि भाई कुछ तो हुआ है मेरे साथ भी यार. एंड आप नोटिस करना है लिरिक्स की तारीफ है तो प्लीज छापना. सब छापेगा सर. भाई प्लीज ऐसी नौबत ना आए कभी. एक गाने अच्छे हैं, बहुत बहुत प्यारे गाने हैं, बहुत इमोशनल हैं, बट 100 माफिया मांगने की नौबत ना आए भाई, तू मत लौट प्लीज. ठीक है चलेगा हम अकेले, ठीक है, लेकिन प्लीज बस. आपको क्या कहना है, कितना रिलेट करते हो? I think it's a beautiful song and it's all about the memory. Yeah, sometimes you miss some moments, so probably it hits and sometimes it doesn't. But I think a reality check, we all go through this. We've all been hurt. We all hurt. So आपको फीलिंग करनी है, माँ बनने वाली हो और आपके साथ मिसकरेज भी हुआ है या आपको पेन भी फील करना है, इसने इस एज में वो सब वैसा एक्ट किया, तो यार नई जनरेशन इज वेरी टैलेंटेड. वी आर फीलिंग दिस. यार इन दोनों को बहुत मैसेजेस आ रहे होंगे करके. एक एक मैसेज, एक एक कॉमेंट, एक एक लाइक, एक एक शेयर, हर एक चीज़ जो है बहुत मायने रखती है. बिकॉज अगर वो एक लाइक जो है वो एक इंसान से आ रहा है किसी से, अगर वो एक कॉमेंट आ रहा है वो किसी एक अलग इंसान से आ रहा है, तो हर एक इंसान अगर अपना समय दे के उस गाने को सुन रहा है, उस पर लाइक कर रहा है, उस पर कॉमेंट कर रहा है, तो वो हर एक चीज़ मायने रखती है यार. सभी मज़ेदार है यार. एक्चुअली आपको मजेदार के लिए मैं बताता हूँ कि मेरी सास ने मेरी वाइफ को पूछा, पूछो ये बड़े दर्द के गाने लिखते हैं, मेरे 70% सॉन्ग्स ऐसे हैं. तो उन्होंने बोला कि मम्मी वैसे कुछ दर्द है नहीं, ये शौकिया तौर पे लिखते हैं, सही है, मज़ेदार था. तो मेरी सास ने मेरी वाइफ को पूछा, ये हमेशा दर्द के गाने लिखते हैं, कुछ हुआ है क्या ऐसे घर में? मुझे Yesterday I actually told Vicky ji this. So when we were talking about it. लेकिन मेरा दिल नहीं टूटा यार, मेरा फील है. नहीं ये झूठ बोल रहे हैं एक्चुअली, कैमरा के सामने बोलना पड़ता है कभी कभी, पर होता तो हुआ है. चलो पाजी कह रहा है तो ठीक है, मान लेते हैं. ऑलराइट, थैंक यू सो मच.
फैंस तो आप लोग के बल्क में दोनों के फैंस जी के बहुत फैंस है मुझे इनके फैंस इतने मैसेजेस कर रहे हैं सुबह से मैं शौक दूं मुझे फॉलो तो कर लो फैंस नहीं मैं इतना बोलूंगा कि एक्चुअली हमारे को अपनी यू नो परफॉर्मेंस शो करने का अपॉर्चुनिटी देने वाले संजीव जी एंड विक्की जी मतलब जो भी जो गाना कंपोज करते हैं जो गाना प्रोड्यूस करते हैं जो गाना डायरेक्ट करते हैं वो लोग हमें अपॉर्चुनिटी देते हैं आर्टिस्ट को कि हम अपनी परफॉर्मेंस दिखा पाएं और चेहरे को सारे फैंडम मिल यू नो सारा फैंस हमारे फैम्स जो है जिसको फैमिली बोलते हैं जो सोशल मीडिया फैमिली है वो हमें सपोर्ट करते हैं बट मैं इतना कहना चाहूँगा कि इनकी बहुत मेहनत जाती है ये चाहे कैमरा के सामने ना हो हम चेहरे हैं लेकिन चेहरे को बनाने वाले यही हैं जो भी हैं प्रोड्यूसर्स कंपोजर्स म्यूजिशियंस आर्टिस्ट डायरेक्टर्स ये सब लोग इन्हीं की वजह से हम जो है आगे आगे दिखते हैं क्योंकि कल को अगर ये आगे आने लग गए तो हमारा कहीं कोई वजूद नहीं रहेगा सीरियसली एंड आप मीडिया जानते हो ये हम्बलनेस है ना इन लोग को बहुत आगे लेके जाती है मेहनत सब लोग बराबर करते हैं ऐसे शब्द बोल के हमको बड़ा प्राउड फील होता है नहीं नहीं थैंक यू पाजी बात पाजी और कशिका आई थिंक यस ना करते इस गाने के लिए तो हम शूट ना करते आई थिंक हम ये सोच रहे थे कि इसको लेट करेंगे क्यों प्रतीक पाजी मानने वाले हैं नहीं थे नहीं ऐसा कुछ बड़ा पाजी को हमने बोला संजीव जी को पाजी से बात करो यार बात करो नहीं चाहे कशिका है चाहे प्रतीक है कोई भी जो इंसान जिस चीज़ के लायक होता है उसी को पूछा जाता है और ये इसके साथ जस्टिफाई कर सकते थे और बहुत अच्छा किया दोनों कोई कमी नहीं छोड़ी और हमारी सोच से ऊपर का किया इनके लिए तो क्लैपिंग बनती है आई एम ग्लैड कि हम ऐसी बातें सुन पा रहे हैं आपके मुंह से सर क्योंकि लायक हो आप बहुत एक्सपीरियंस हैं बहुत समय से इंडस्ट्री में रहे हैं बहुत लोगों को देखा है उन्होंने उसके बावजूद भी अगर ये ऐसा कॉम्प्लीमेंट हमें दे पा रहे हैं यू नो तो इट्स अ बिग थिंग फॉर अस एंड Hope to do even better in future. Touch wood and बस यही है. Thank you so much. Thank you guys. Thank you.